ता किसी एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम किशन था। किशन बहुत वीर था और सभी प्रकार के युद्ध विद्याओं में पारंगत था। किशन वीरता की कार्य करना चाहता था, परंतु उसे इसके लिए कभी मौका नहीं मिलता था। उसने एक दिन अपने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की, वह बाहर घूमने जाना चाहता है। पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी। घूमने जाने से पहले उसके पिता ने किशन को बुलाया और कहा, तुम्हें तीन बातों का खास ध्यान रखना होगा। पहला यह कि कभी भी अकेले यात्रा पर मत जाओ। दूसरी बात कि जहाँ भी विश्राम करो उस जगह को ध्यान से याद कर लो। अपने देश जंगलों में भालू बहुत हैं, उनका सामना कभी न करना। और यदि भालू दिखाई दे तो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू ऐसे लोगों को कभी नहीं छेड़ता है। पिता की सीख लेकर किशन घूमने के लिए रवाना हो गया। उसकी देखभाल के लिए पिता ने दो आदमी उसके साथ भेजे, परंतु वह अकेले घूमना चाहता था तथा किशन उन दोनों को चकमा देकर भाग गया। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में वह थोड़ी ही देर दूर आगे बढ़ा और सामने से एक शेर गरजता हुआ उस पर कूद पड़ा। किशन को अपनी वीरता दिखाने के लिए पहली बार मौका मिला था। उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। शेर को मारने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह वहां से उठकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आठ सुनाई दी। आठ सुनते ही उसने जैसे ही कटार निकालने के लिए कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे कटार न मिली। वह कटार वहीं पर भूल गया था जहां उसने विश्राम किया था, परंतु उसे अब वह जगह याद नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसे दो भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आ गई कि भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वहीं सांस रोककर लेट गया। भालू वहां से उसे बिना कुछ हानि पहुंचाए अपने रास्ते चले गए। भालू के जाते ही किशन उठा और अपनी कटा ढूंढने के लिए उस जगह पहुंचा जहाँ उसने विश्राम किया था। उसे वह जगह ढूंढने पर भी नहीं मिली और न ही कटार मिली। वह बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। कड़ी धूप में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसे निकट ही एक बड़ा बगीचा और सरोवर दिखाई दिया। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतार कर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वो लौटकर किनारे आया तो देखा कि कपड़े नहीं है। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी नजर फिर पेड़ के ऊपर गया तो उसे पेड़ परार बंदर दिखाई दिए। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। उसने सोचा, पिताजी ने ठीक ही कहा था कि सफर में अकेले नहीं चलना चाहिए। यदि साथ में कोई होता तो ऐसा न होता। कपड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने बंदरों पर पत्थर फेंके तो उसके जवाब में बंदरों ने उस पर कपड़े फेंके। कपड़े तो किशन को वापस मिल गए, परंतु वे फट गए थे। उसे मजबूर में ही फटे कपड़े पहनने पड़े। फटे कपड़े पहनकर वह घर वापस आ गया और उसने अपने पिता से सफर में हुई सारी मुश्किलों को बताया और पिता दुयार बताई गई बातों को न मानने पर उत्पन्न हुई परेशानियों को बताया और माफ़ी मांगी। पिता ने किशन से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अनुभव हुआ और इन्हीं अनुभवों से ही आदमी को सीखता है। दोस्तों, आपको यह कहानी पिता की सीख अच्छी लगी तो कमेंट करें और शेयर भी करें।